इन दिनों देवी माँ की नवरात्र चल रही हैं। हिंदू धर्म में 9 दिन नवरात्रों में विशेष पूजा की जाती है। माँ के 9 रूपों की अलग अलग पूजा होती है। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में माता दुर्गा या पार्वती के 9 रूपों को एक साथ देखा जाता है। हर दिन एक अलग इनका महत्व होता है। यहाँ देवी को अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। बता दें, तीसरे दिन माता की पूजा चंद्र घंटा के रूप में होती है। इस दिन का अपना अलग महत्व है। बता दें, नवरात्र का तीसरा दिन भय से मुक्त और अपार साहस प्रदान करने वाला होता है। इस दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। चलिए आपको बताते हैं कैसे इस दिन पूजा करनी चाहिए। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से शांति आती है, परिवार का कल्याण होता है। इस दिन आप माँ को लाल फूल चढ़ाएं, लाल सेब और गुड़ चढ़ाएं, घंटा बजाकर पूजा करें, ढोल और नगाड़े बजाकर पूजा और आरती करें। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाने का विशेष विधान है। इससे हर तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट लाइन भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।